हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे घर का व्लॉग और मैं घर में क्या क्या करता हूँ सांझ के टाइम, तो वो मैं आज आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टडी करने। ये देखिए, मैंने बुक खोल लिया है, पूरा ये बुक खोल लिया है, अभी इसको पढ़ेंगे। और मैं स्टडी क्लास 8 में करता हूँ, जो मैंने बहुत सारे व्लॉग में बता चुका हूँ। तो अभी मैं अपने घर में जो जो काम करता हूँ सांझ के टाइम, वो मैं आपको बताऊँगा और ये व्लॉग को पूरा दिखाऊँगा। तो मेरे व्लॉग में पूरे बने रहिएगा और व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो मेरा होमवर्क अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूँ। ये होमवर्क था मैंने, और थोड़ा स्टडी करना था और लिखना था, तो जो मैंने कर लिया। तो अभी मैं इसके बाद नीचे जाऊंगा और वहां से दिखाऊंगा कि उसके बाद में क्या करूंगा, तो वो भी देखिएगा आप। हो चुका है, तो अब हम नीचे जाएंगे और थोड़ा पानी वानी पी के फिर ऊपर आएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हम क्या करेंगे इसके बाद। तो हम नीचे चलते हैं फाइनली, तो आपको हम नीचे दिखा देते हैं। तो अभी हम नीचे उतरेंगे। ये मेरा रूम है, मेरा घर है। तो अभी हम पानी पियेंगे। ये अगर सच में होगी तो अच्छा होता। उसके सुंदर होंठ हंसते, उसकी नाखून और उसका चेहरा गजब के एक्सप्रेशन देखा। तो मैं पानी पी लिया हूँ, अभी मैं ऊपर चलूंगा, आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं होम वर्कआउट करता हूँ सांझ को डेली, और संडे को मैं गैप रहता है मेरा। तो अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या मेरे पास है इक्विपमेंट वर्कआउट करने के लिए। तो ये देखिए, मेरे पास एक डंबल है, जो कि मेरे ख्याल से रुके लाइट बा दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 9.5 किलो का है। एक दो डंबल और है, एक मेरे पास है 7 किलो का, यानी 7 kg का, और एक उससे थोड़ा कम है, ये 6.5 kg का है, पर भारी है। और मैंने एक थोड़ा इसके अंदर भी रखा है, इससे भी मैं करता हूँ, वो भी दिखाऊंगा क्या करूँगा। और ये बल्टी से जुगाड़ बनाया था, ऊपर वाले ऊपर दिख सकता है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, इसी से मैंने बनाया था रिंग। इसी में मैं रस्सी डाल के खींचता था, बट ये टूट चुका है। तो वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, तो अभी हम आपको वीडियो दिखा। अभी हम थोड़ा जंपिंग जैक करेंगे, 20-30 जंपिंग जैक करेंगे, और इससे थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे हाथ से, और पूरा बॉडी मूवमेंट करेंगे। और ये अभी हार्ट के लिए करेंगे, और फिर नेक और मूड़ी के लिए करेंगे, सिर के लिए, जिससे कहीं का भी नस तने ना। तो अभी हम पुशअप मारेंगे, तो मैं टोटल 20 पुशअप मारूंगा, लेकिन मैं फास्ट करके आधा वीडियो काट रहा हूँ जल्दी चलने के लिए। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग आपका मैक्स पुशअप कितना मार सकते हो। मैं तो 20-24 इतना मार सकता हूँ, मैक्स पुशअप मेरा इतना ही है। और पुशअप मारने के बाद मैं मारूँगा डंबल कर्ल, जो डंबल से मारते हैं 9.5 किलो का। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं लेफ्ट हैंडेड मारूंगा, इसको भी मैं कम से कम 16-15 ठो मारने की कोशिश करूंगा, और लेफ्ट वाले हैंड से भी मारूंगा 16-15 ठो, क्योंकि ये बहुत हेवी है, हाथ एकदम दर्द करने लगता है करते करते। और फिर मैं मारूंगा एक कर्ल, जो दोनों हैंड का यूज करेंगे, ये एकदम बाइसेप के लिए होता है, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है। और उसके बाद मैं करूँगा 2 डंबलों से, ये भी बाइसेप वर्कआउट है, कल है। तो मैं अभी जा रहा हूँ सपाटे मारने, जिसको हिंदू पुशअप भी कहा जाता है और सपाटे भी कहा जाता है। तो अभी हम सपाटे मारेंगे, और वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने कितना मारा। तो अब मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, और वर्कआउट के बाद हमेशा पोजिंग करना चाहिए 15-10 सेकेंड का। अब जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन पोजिंग करना ज़रूरी होता है। जिसका वर्कआउट आपने किया, उसका आपको पोजिंग करना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही गैस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मेरा पूरा ब्लॉग कम्प्लीट हो गया, आज मैंने आपको दिखा दिया कि मैं सांझ के टाइम में क्या क्या करता हूँ।
तो यही सब कुछ एक्टिविटी थी जो मैं करता था और जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।